रिच बिजनेसमैन शौतव्रत विश्वास वॉज मर्डर्ड ऑन 18th अगस्त इन फ्रंट ऑफ कालीघाट टेम्पल. ही वॉज मर्डर्ड इन अ क्राउडेड स्ट्रीट. द कॉज ऑफ डेथ हैज बीन अ ग्रामोफोन पिन स्ट्राइकिंग ऑन हिज हार्ट. ही हैज नो क्लोज रिलेटिव्स. ही हैज बीन सर्वाइव्ड ओनली बाय हिज डिस्टेंट नेफ्यू शौर्जो विश्वास. अगेन अ मर्डर विद ग्रामोफोन पिन. ये हो क्या रहा है कोलकाता में? दिस इज द फिफ्थ मर्डर इन अ सिमिलर फैशन. और ये देखा आपने, हर फ्राइडे को एक अजीब सा एडवर्टाइजमेंट आता है. पोथेर कांटा, इफ यू वॉन्ट टू रिमूव द थॉर्न ऑन द पाथ यू हैव टू स्टैंड नेक्स्ट टू अ लैम्प पोस्ट नेक्स्ट टू साउथ साइड ऑफ रॉबिंद्र शोधन. अवनी, तुम्हारी लाइफ में पोथेर कांटा कौन है? आई एम श्योर तुम मेरा ही नाम लोगी. ऑफ कोर्स आप ही हो. वैसे डू यू थिंक दीस टू आर कनेक्टेड? मे बी नॉट. क्या पता. बाहर एक आदमी खड़ा है, करीब 42 साल का होगा. उसकी जान खतरे में है और हमारे पास अपना केस सॉल्व कराने आया है. इफ माई आइडिया इज करेक्ट तो ही हैज कम विद द केस ऑफ पोथेर कांटा. मुकेश बाबू, मेरी जान खतरे में है, आप ही मुझे बचा सकते हो. पहले शांत हो जाइए. अब बताइए. मैं भवानीपुर के रास्ते से जा रहा था, सड़क पार करते हुए मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस किया. ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से घूसा मारा हो. मैंने किसी तरह सड़क पार कर ली. मेरे कोट के सीने की जेब में हमेशा की तरह एक घड़ी रहती है. मैंने देखा कि वो घड़ी पूरी तरह टूट चुकी है और उसमें एक ग्रामोफोन की पिन छुपी हुई थी. ग्रामोफोन की पिन? हाँ, अगर ये घड़ी ना होता तो मैं यहाँ नहीं होता. ये कितने बजे की बात है? शाम 7-7:30 बजे के आसपास. जब आपको ये दर्द महसूस हुआ, आपने कोई आवाजें सुनी? इसे सड़क में होते हुए आम आवाज से, जैसे गाड़ियों की आवाज, हॉर्न्स की आवाज, साइकिल की बेल की आवाज, ऐसे कुछ. आप बैचलर हैं? हाँ, पर आपको कैसे पता? आपके कान के पीछे शेविंग क्रीम लगी है. ओह. और कौन से शादीशुदा आदमी की वाइफ उन्हें ऐसे घर से निकलने देंगी? वैसे आपको मेरे पास आने के लिए किसने कहा? मेरा एक कस्टमर है, आर्यन मुखर्जी नाम है, उन्होंने ही आपका कांटेक्ट दिया. अच्छा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी. जब तक मैं ना कहूं, आप घर से ना निकले. ठीक है जी, आप जा सकते हैं. अवनी, तुम जाके तैयार हो जाओ, हमें रविंद्र शोधन जाना है. आप मुझे बकरी बना रहे हो, है ना? अब बॉस कोई काम बोलता है तो एम्प्लॉय को तो करना ही पड़ता है ना? मेरी मुसीबत. वैसे एक और क्लाइंट आने वाला है. केस क्या है मैं बाद में बताता हूँ. तुम जाके दरवाजा खोलो, मैं आया. अमी श्रीमंत बॉक्ची. अच्छा, जब वो हादसा हुआ था मैं तो तौलीगंज में था. कोई बात नहीं, हम है ना, पानी पीजिए.